किरणा स्थान हम सबको हमेशा मार्गदर्शन करने वाले अजय कौल सर, हमारे यहाँ पर सीनियर इस विधानसभा क्षेत्र, जब भी एक हुआ करता था अम्बोली विधानसभा क्षेत्र, तभी वहां से 3 बार विधायक रह चुके हमारे सीनियर लीडर बलदेव खोसा साहब, यहाँ पर उपस्थित अजय कौल सर के सभी चाहने वाले लोग, सबसे पहले तो अजय कौल सर को मैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, और इसी प्रकार से आप अपने समाज को, हम सबको मार्गदर्शन करते रहे, रास्ता दिखाते रहे, समाज के हित में काम करते रहे। आप सालों साल से समाज के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने कोविड में जो काम किया वो सराहनीय है, एंड इट डिजर्व्स अ सैल्यूट फ्रॉम ऑल ऑफ अस। और इसी प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि एक यहाँ का एक ऐसा ही व्यक्तित्व है जहां पर एक बाजू में बलदेव जी और दूसरी बाजू में अमित साटम साथ में खड़े हो सकते हैं और सबको बांध के रखने वाले। जैसे किशन ने कहा था, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं सिर्फ एक धागा हूं और सारे ज्वेल्स को या जेम्स को एक साथ बांधने वाला मैं एक धागा हूं। वैसे आप अजय कौल सर यहाँ के आप धागा हो कि यहाँ के सभी लोगों को आप बांध के एक साथ रखते हो, सबके बीच का सेतु भी आप बनते हो, समाज के हित में काम करते हो। और मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा कि आपके ऊपर हम कोई भी आंच नहीं आने देंगे, और इसी प्रकार से आप आने वाले समय में ऐसा काम करते रहे, हम सबको मार्गदर्शन करते रहे और सबको साथ में लेकर समाज के हित में, हमारे शहर के हित में, हमारे राष्ट्र के हित में हम सभी लोग अच्छा काम करें। क्योंकि एक जब एक अच्छे समाज की निर्मिति होती है तो एक अच्छे राष्ट्र की निर्मिति होती है, और एक अच्छे समाज के निर्मिति के माध्यम से आप यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रेट टास्क ऑफ नेशन बिल्डिंग। आप एक अच्छे राष्ट्र की निर्मिति की तरफ अपना योगदान दे रहे हो, और भगवान से यही कामना करता हूँ कि आने वाले बहुत सारे साल आप इसी प्रकार से ऐसे योगदान देते रहे, काम करते रहे, हम सबको मार्गदर्शन करते रहे, और हर साल इसी प्रकार से आपका जन्मदिन हम यहाँ पर साथ में सेलिब्रेट करते रहे, ऐसी कामना भगवान से करता हूँ। आप सभी ने मुझे यहाँ पर बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इतने अच्छे प्रोग्राम में आया हूँ। मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको और भी एनर्जी दे, स्टेमिना दे, विजडम दे, टू सर्व द पीपल ऑफ दिस एरिया। एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, काइंडली कंटिन्यू इट। वी नीड पीपल लाइक यू इन अवर समाज, इन अवर कंट्री। हमीर साटम जी ने इतना अच्छा बोला, मैं तो वैसे भी आपका फैन हूँ, आपको याद ही हो, पता ही होगा, मैं जब भी अच्छा काम करते हैं मैसेज भेजता रहता हूँ। मेरे छोटे भाई की तरह हैं। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर फैमिली। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम खुश किस्मत लोग होते हैं जब हम अच्छे लोगों के बीच में आते हैं। मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी अच्छा टाइम, अच्छी वक्त जो गुजरा वो आदरणीय लीड श्री श्री दत्त साहब के साथ गुजरा। मैं अमृतसर से, बॉम्बे से लेके अमृतसर तक पैदल उनके साथ चल के गया, और ऐसे अच्छे लोगों का नाम हमेशा ज़िंदगी में रहता है। और यही बात अजय जी मैं आपके बारे में कहना चाहता हूँ, यू बिलीव मी, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया और आपको भी देखा है। आप ईश्वर को यही प्रार्थना करता हूँ कि आप उनसे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे काम हमारे समाज में करें और अपनी सोसाइटी में एक बहुत खूबसूरत नाम पैदा करें। मैं आपके सारी फैमिली को, आपकी सारी टीम को, आपकी स्कूल के सब स्टूडेंट्स को और सब टीचर्स को इस मुबारक, इस दिन के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे ही अच्छे और नए काम करते रहें और लोगों में जो आपका एक सेकुलर का एक बना हुआ है जो इम्प्रेशन, उस इम्प्रेशन को आप कामयाब रखना। क्योंकि मैंने अजय जी को हमेशा ये देखा है, दुनिया में सबसे अच्छे इंसान वो होते हैं जो कहते हैं कि मैं बस सिर्फ एक इंसान हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, और जो अच्छा ह्यूमन बीइंग है
उसमें जिंदगी की किसी की कोई चीज की कमी नहीं रहती। बहुत बहुत मुबारक, जय हिंद। मी 1990 पासून सरांबरोबर आहे आणि 92 ला तर मी समजा नगरसेवक होतो आणि ते कंटिन्यू 25 वर्ष 3 वर्ष तीन टर्म नगरसेवक आणि 2 टर्म आमदारकी केली। परंतु साहेबां अजय कौल साहेबांबरोबर निगडीत संबंध असताना पण मी कधी असं पॉलिटिकली मी त्यांना भेटले नाही। एक मित्र म्हणून एक परिवार म्हणून मी त्यांच्या बरोबर आहे आणि सदैव राहीन आणि त्यांचे जे काम आहे ते आपण जनतेला बघितल्यानंतरच कळेल तुम्हाला की त्यांना कुणाची टेकूची गरज नाही आहे, ते स्वतः स्वयंभू आहेत आणि म्हणून मी त्यांचा मनापासून आभार करतो। जय हिंद, जय भारत। ये लोगों का प्यार है जो आप देख रहे हैं कि इतनी तादाद में लोग आए हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग एरिया से। ये तो सिर्फ उनका प्यार है मेरे लिए जो उन्होंने सचमुच आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए इतनी तादाद में। सर, ऐसा कम देखने को मिलता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक धर्म के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं कहीं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 92 राइड्स के बाद हमने मुंबई शहर में अमन शांति रखने की कोशिश की, जहाँ पे हम लोग सभी समाज के वर्गों के साथ काम करते हैं और सिर्फ इलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी के साथ नहीं बल्कि झोपड़पट्टी बस्तियों में भी जा के हम लोग काम करते हैं। मकसद सिर्फ एक ही है कि लोगों को कैसे इकट्ठा रखें। और अगर आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने देखा कि यूनिटी और कम्युनल हारमोनी का कितना बड़ा मैसेज लोगों ने दिया। सर, त्यौहार लगातार आ रहे हैं, नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, क्या कुछ शुभकामना देना चाहिए? मेरी आने वाले सभी त्योहारों में नवरात्रि और दिवाली के आने वाले अवसर पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर।